कि सिरसा में किसानों ने डीएपी खाद की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने डीएपी खाद की मांग को लेकर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। किसानों ने बताया कि डीलर द्वारा डीएपी खाद का स्टॉक किया जा रहा है, जिसके कारण किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। किसानों ने मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द डीएपी खाद उपलब्ध कराई जाए। तो डीएपी खाद की मांग को लेकर किसानों ने आरोप लगाया है, उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डीएपी की कमी जो है जल्द पूरी की जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है किसानों की तरफ से किया गया, डीएपी खाद की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किसान करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा है कि ये मांग हमारी जल्द पूरी की जाए, क्योंकि डीएपी खाद की कमी है और सरकार से आग्रह करते हुए किसान नजर आए। इसी पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए बलजीत सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। बलजीत, क्या अपडेट है? क्या अभी भी किसानों का प्रदर्शन जारी है? क्या प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है कि खाद की कमी पूरी की जाएगी? जी बिल्कुल, आज सुबह ही सारे जिले के किसानों ने बैठक करके निर्णय लिया था कि नेशनल हाईवे नंबर 9 को रोका जाए और लगभग 3 घंटे तक इस रोड पर इन्होंने जाम लगाया। उनकी एक ही मांग थी कि हमें डीएपी की आपूर्ति की जाए। उसके बाद डीडीए सुखदेव कंबोज मौके पर आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि उन्हें 2 दिन का समय दिया जाए। मंगलवार से इफको का नया रैक लगेगा, जिसके बाद डीएपी की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। किसानों का सीधा सीधा ये आरोप था कि ये डीएपी की जितनी भी कमी है ये फर्जी है, ब्लैक मार्केटिंग करके ये कुछ लोगों ने इसको स्टॉक किया हुआ है और सरकार या प्रशासन कोई कार्रवाई इस बात पर नहीं कर रहा। अगर वो कार्रवाई करे, गोदामों पे छापे मारे, तो ये जो बिना मतलब की डीएपी की किल्लत है ये दूर हो सकती है।